तुम मोदी विरोधी हो, तुम नक्सली हो, तुम हिंदू विरोधी हो, तुम देशद्रोही हो। रवीश कुमार को मैं चेतावनी देता हूँ, एक दिन मेरे हाथों से मरेगा तू। मैं यहाँ से पाकिस्तान लेके जाऊंगा जहाँ तुम्हारा घर है। अभिसार शर्मा के नाम पर, रवीश कुमार के नाम पर बाकायदा गलत खबरें फैला दी जाती हैं। मैं आपको बताता हूं किस तरह से, और फिर वो गलत खबरें फैलाकर उन्हें टारगेट किया जाता है। मैं नहीं भूला हूं कि कासगंज हिंसा के दौरान किस तरह से एक न्यूज चैनल के चाटुकार एंकर ने, सत्ता के चाटुकार एंकर ने झूठ कहा था कि कासगंज में मुसलमान तिरंगे का विरोध कर रहा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हकीकत यह है कि मुसलमान भी उस चौराहे पर तिरंगा फहरा रहा था, और मैंने एक वीडियो ब्लॉग किया। उस वीडियो ब्लॉग में मैंने यही कहा तथ्यों के आधार पर कि यह पूरी तरह से गलत है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि उस चैनल को अपनी भूल सुधारनी पड़ी और एक जिम्मेदार रिपोर्टर को भेजना पड़ा, और उसने हकीकत देश के सामने पेश की। मगर समानांतर स्तर पर क्या हो रहा था दोस्तों? समानांतर तौर पर यह हो रहा था कि मेरे बारे में एक झूठ फैलाया जा रहा था कि मैंने कासगंज में मारे गए हिंदू लड़के चंदन की मौत पर जश्न मनाया है। यह झूठ मेरे बारे में फैलाया गया, और नतीजा यह हुआ दोस्तों कि करीब 60 घंटों तक, 48 से 60 घंटों तक मेरा फोन लगातार बजता रहा, मुझे गालियां दी जाती रहीं, कोई सुनने को राजी नहीं था कि मेरा पक्ष क्या है, मैंने क्या बोला। लगातार मेरा फोन बजता रहा। आज पहली बार मैं आपके सामने, मुझे जान से मारने की जो धमकी दी गई, वो टेलीफोन कॉल जो मैंने रिकॉर्ड किया था, वो पेश करने जा रहा हूं। पहले आप ये सुनिए, और फिर इस फोन कॉल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि आज मौजूदा सत्ता से सवाल करने वाले पत्रकारों की क्या दुविधा है, क्या मुश्किलें हैं। पहले तो आप ये सुनिए। हेलो शर्मा, कौन बोल रहे हैं? क्या हाल है? कौन बोल रहे हैं भैया? कौन बोल रहे हैं? जम्मू से बोल रहे हैं। कहाँ से? नंबर से देख लो कहाँ से नंबर है। अरे किस, क्या क्या है, कौन हो भाई? जल्दी ही तुम 72 रोड के पास में जाने वाले हो। कहाँ जाने वाले हो? 72 हूर के पास में जाने वाले हो, जन्नत में चड्डी बाडी रख ले जेब में 72 हूर के लिए। अच्छा, क्या जान से मारने की धमकी दे रहा है तू? हाँ, भाजपा का सिलसिला क्या है? भाजपा वालों की एंट्री हो तुम, मुसलमानों का साथ देते हो, 72 हूर के पास में जल्दी जाओगे तुम? क्या जान से मारने की धमकी दे रहे हो? तुझे अगर लग रहा है कि मैं तुझे थाईलैंड में ट्रैप नहीं कर, सुन 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 भाई सुन, तू मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है तो मैं तुझे थाईलैंड में भी ट्रेस कर सकता हूँ, ठीक है? एक बात याद रखना, ये तेरा नंबर आ गया मेरे पास। सलमान काम करते हो? नहीं 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 नहीं, अब ये नंबर जो है ना, अब ये नंबर मैं थाईलैंड पुलिस को फॉरवर्ड करने वाला हूँ, ठीक है? ठीक है, क्या नाम है? चलो अब तुम देखो, तुम्हारा नाम है अब्दुल अंसारी। शर्म नहीं आती लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा है तू फोन पे बैठे बैठे? हिंदू हो यार, हिंदुओं का हम बर्बादी करो, शर्म आदमी। ऐसा नहीं कि इस शख्स के खिलाफ मैंने पुलिस में शिकायत नहीं की, मैंने मामला अपने संपादक के सामने रखा, पुलिस से शिकायत की, मगर इससे पहले कई बार हो चुका था कि मेरे बारे में इस तरह की अफवाह फैला दी जाती थी और मुझे गालियां पड़ने लगती थी। मैंने शिकायत भी की मगर उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ।
तो ऐसे में आपको लगता है कि शिकायत का फायदा क्या है? इसी तरह से अन्य पत्रकारों के बारे में भी झूठी खबरें फैला दी जाती हैं और आपको इस तरह से जान से मारने की धमकियां मिलती हैं। पत्रकारों को अब जब महफिलों में जाना होता है साथ में बाउंसर्स ले जाने पड़ते हैं। यह दुविधा, यह मुश्किल किसी और की नहीं, रवीश कुमार की है। आप सुनिए शख्स को जिसने रवीश को जान से मारने की धमकी दी थी, और इस बार भी इसलिए धमकी दी थी क्योंकि रवीश के बारे में भी एक झूठ फैलाया गया था। एक झूठ फैलाया गया था कि एक हिंदू लड़की के बलात्कार को रवीश ने सही ठहराया था या उसे जायज ठहराया था। उस सुअर रवीश कुमार को मैं चेतावनी देता हूं, एक दिन मेरे हाथों से मरेगा तू। दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, यहां से पाकिस्तान लेके जाऊंगा जहां तुम्हारा घर है। एक पत्रकार पत्रकार होता है, न्यूज़मैन होता है, हनुमान या बैटमैन नहीं होता है कि आप उसे जान से मारने की धमकी दें और वो अपनी रक्षा कर सके। ऐसा नहीं होता, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। उसकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, उसे अपना परिवार चलाना होता है, अपने बच्चों की रक्षा करनी होती है। और आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरी पहली प्राथमिकता मेरी जिंदगी में मेरा अपना परिवार है। मेरा पेशा इसके बहुत बाद में आता है। अगर मेरे परिवार पर कोई खतरा आएगा तो मैं अपना पेशा उसके लिए कुर्बान करने को तैयार हूं। क्या आप ये बात समझते हैं? क्या आप ये बात समझते हैं कि जब आप लोगों को धमकाते हैं, उनके बारे में झूठी और गलत खबरें फैलाते हैं, तो उसका असर क्या होता है? और सबसे दुखद बात यह नहीं है, सबसे दुखद बात यह है कि इस झूठ को फैलाने में मदद सत्ता में बैठी हुई पार्टी का सूचना तंत्र, उनका आईटी सेल कर रहा है। वो इस तरह का झूठ के प्रसार कर रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने बाकायदा कुछ पत्रकारों के बारे में झूठ फैलाया। मैं आपको इनके साथ मेरे एक तजुर्बे के बारे में कहना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, उस वक्त मुझे याद है कि एक मस्जिद के सामने योगी आदित्यनाथ के समर्थक आके नारे लगाने लगे कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी करना होगा, गोरखपुर में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। मैंने यही कहा, मैंने सिर्फ इस खबर को ट्वीट किया। जवाब में अमित मालवीय कहते हैं कि जय श्री राम और योगी योगी करना होगा में क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है। मैंने उनको जवाब में कहा कुछ गलत नहीं है, मगर आप कल्पना कीजिए, आप मंदिर में बैठे हैं और उस मंदिर में घुसकर कोई आपसे कहे कि मुर्शिदाबाद में रहना है तो अल्लाहु अकबर कहना होगा, तो आपको कैसा महसूस होगा? मैंने सिर्फ अमित मालवीय को इस बात का जवाब दिया और उसके बाद फिर मेरे नंबर को सार्वजनिक कर दिया गया और फिर लगातार मुझे गालियां दी जाती रहीं कि तू कैसा हिंदू है, तेरी पैदाइश में कैसी खोट है कि तू इस तरह से हिंदुत्ववादी विचारधारा का विरोध करता है। अंत में एक बात कहना चाहूंगा, एक पत्रकार है जो तिहाड़ जेल में वक्त बिता चुका है, वो कैमरे पर पकड़ा गया था घूस की मांग करते हुए। एक और पत्रकार है जिसके आर्म्स डीलर के साथ 500 मिनट की फोन की बातचीत है, प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसकी जांच करना चाहता था, मगर चूंकि ये मोदी समर्थक पत्रकार हैं लिहाजा वित्त मंत्रालय ने इसकी इजाजत नहीं दी। अभी आपको फैसला करना है कि आपके आदर्श ऐसे पत्रकार बनेंगे या वो पत्रकार जो मौजूदा सरकार से सवाल करते हैं। तय आपको करना है, फैसला आपको करना है। नमस्कार।